भागलपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन अलग अलग मामलों का उद्भेदन किया है। शुक्रवार को पूरे मामले की जानकारी एसएसपी आनंद कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। एसएसपी ने बताया कि पहला मामला औद्योगिक थाना क्षेत्र जीरो माइल का है, जहां से दो ब्राउन शुगर तस्कर की गिरफ्तारी की गई है। उन्होंने बताया कि शहर में ब्राउन शुगर कारोबार पनप रहा है, जिसको देखते हुए पुलिस की टीम ने कारोबारियों के ठिकाने पर दबिश दी और मौके से 107 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ कारोबारी सुभाष यादव और गोरेलाल यादव को गिरफ्तार कर लिया। एसएसपी ने बताया कि दोनों तस्कर बंगाल से ब्राउन शुगर की खेप लाकर इसकी खरीद बिक्री करते थे और पुलिस को इनकी लंबे समय से तलाश थी। वहीं दूसरा मामला सबौर थाना क्षेत्र के दियारा इलाके का है, जहां हथियार के साथ दो कुख्यात अपराधी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। गिरफ्तार अपराधी का नाम छंगाली उर्फ राजकुमार मंडल और पप्पू मंडल बताया जा रहा है। बता दें कि एसएसपी आनंद कुमार के निर्देश पर सीटीएसपी मिस्टर राज के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया, जिसके बाद विधि व्यवस्था डीएसपी डॉक्टर गौरव कुमार की अगुवाई में पुलिस की टीम ने दबिश दी और दोनों अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दोनों बदमाशों के पास से एक मास्केट एवं 315 बोर की दो और 12 बोर के 7 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। बता दें कि दोनों अभियुक्तों का पुराना आपराधिक इतिहास भी रहा है। वहीं इसके अलावा एसएसपी के निर्देश पर कहलगांव थाना क्षेत्र से दो मोबाइल चोर की गिरफ्तारी भी की गई है। भागलपुर पुलिस के द्वारा कुल तीन बड़ी सफलता आज अर्जित की गई है, और उसमें जो पहली सफलता है सबौर थाना अंतर्गत रामनगर ममलखा एक जगह है, जिसके पास में ही हम लोग के एसटीएफ का एक पिकेट स्टार्ट हुआ है विगत कुछ दिनों पहले से, और कल रात्रि में एक सूचना प्राप्त हुई। वहीं पिकेट के समीप ही गांव में एक व्यक्ति के घर में अवैध हथियार होने की सूचना प्राप्त हुई, और उसमें एसडीपीओ विधि व्यवस्था डॉक्टर गौरव के नेतृत्व में एक टीम बनी, जिसमें कि एसटीएफ के लोग भी थे और डिस्ट्रिक्ट पुलिस के एसएचओ सबौर थे और डीआईयू टीम के प्रभारी थे, अन्य पदाधिकारी गण थे, और इनके द्वारा देर रात्रि को रेड करके वहाँ से दो मस्केट और कुल 9 कारतूस बरामद किया गया है और दो कुख्यात अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है। एक छंगीला मंडल है और दूसरे पप्पू मंडल। छंगीला मंडल के ऊपर भी तीन कांड दर्ज हैं, और जिसमें कि हत्या के कांड, रंगदारी के कांड, हत्या के प्रयास के कांड। पप्पू मंडल के ऊपर भी दो हत्या का मुकदमा पूर्व से दर्ज है, एक रंगदारी का केस है और एक हत्या के प्रयास के केस है। इस प्रकार भागलपुर पुलिस के द्वारा दो कुख्यात अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है और साथ ही साथ हथियार की बरामदगी की गई है, और यह अभियान इस पूरे देरा क्षेत्र में जो गंगा के किनारे है उसमें एसटीएफ के साथ संयुक्त ऑपरेशन करके भागलपुर पुलिस के द्वारा लगातार किया जाता रहेगा। भागलपुर समाहरणालय में जिलाधिकारी कार्यालय के मुख्य द्वार पर शुक्रवार को बड़ी संख्या में पहुंचे छात्र छात्राओं ने जमकर हंगामा किया। जुलूस में आए छात्र छात्राओं ने जिलाधिकारी और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। इस दौरान भीड़ अनियंत्रित हो गई और देखते ही देखते अफरा तफरी मच गई। वहीं आक्रोशित छात्र छात्राओं ने बताया कि शिक्षा विभाग के द्वारा बीएससी के तहत होने वाले शिक्षक पात्रता परीक्षा अगस्त महीने में घोषित की गई थी, अब अचानक कई न्यूज़पेपर और सोशल मीडिया पर इसकी परीक्षा तिथि फरवरी में बताई जा रही है। साथ ही छात्रों ने बताया कि 3 महीने बाद उनका सत्र समाप्त होगा और 2022-24 सत्र के छात्र अगस्त में परीक्षा दे पाएंगे। परीक्षा को फरवरी में करवाना कहीं से भी उचित नहीं है। उन्होंने बताया कि वे सभी इस परीक्षा से वंचित रह जाएंगे। थ्री में मौका दिया जाएगा, जिसकी पहले 3 दिन निर्धारित हुई थी 24 अगस्त, पर अब कुछ दिनों से खबरें आ रही हैं कि वही एग्जाम मार्च 2024 में होगा, जिससे हम सभी डीएलएड 2022-24 के प्रशिक्षुगण वंचित रह जाएंगे। हम सभी बस एक ही निवेदन करना चाहते हैं, या तो हमें मार्च 2024 में जो एग्जाम हम लेने वाले हैं बीपीएससी का, उसमें हमें मौका दें, या पहले से निर्धारित समय तिथि में अपना एग्जाम दें। पता किया था कि 24 अगस्त को हम लोगों का बीपीएससी थ्री का एग्जाम होने वाला था, लेकिन हम लोगों को सूचना मिली है कि यही एग्ज़ाम जो 24 अगस्त को होने वाला था वो मार्च में कंडक्ट कराया जाएगा। तो इस तरह से अगर इस तरह से सरकार अपना फैसला बदलेगी, तो इस फैसले के बदलने से
तमाम जो डीएलएड के छात्र हैं 22-24 सत्र के, उनका भविष्य अंधकार में है, क्योंकि आने वाले 5 सालों तक कोई वैकेंसी नहीं है। सरकार कह तो देती है लेकिन मुकर जाती है, ऐसा हम लोग आए दिन न्यूज में देखते रहते हैं कि सरकार का बात आता है और जाता हवा की तरह बात होता है, ठीक है। लेकिन हम लोग के पाठक सर से ये वादा जो उन्होंने हमसे किया था कि 24 अगस्त को बीपीएससी 3 जो एग्ज़ाम होने वाला है वो अब मार्च में हो रहा है, जिसमें कि हम लोगों को मौका नहीं मिलने वाला है। तो हम लोग सरकार से यह अपील कर रहे हैं, के पाठक सर से यह अपील कर रहे हैं, शिक्षा विभाग से यह अपील करना चाहते हैं कि सर प्लीज़ हम लोगों को TRE 3 में मौका दे, चाहे आपको एग्ज़ाम मार्च में ले चाहे वो अगस्त में ले। ईडी की ओर से चल रही ताबड़तोड़ कार्रवाई पर इंडिया गठबंधन में खलबली मची हुई है। एक तरफ जहां ईडी की ओर से लालू यादव व तेजस्वी यादव से पूछताछ की गई, तो अब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर ईडी ने बड़ी कार्रवाई कर उन्हें जेल भेज दिया है। केजरीवाल को भी लगातार ईडी से समन भेजी जा रही है। इस पर कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि भाजपा की सरकार का जो भी पार्टी समर्थन नहीं करती है उन पर ये ईडी की कार्रवाई करवाते हैं। विपक्ष का जो भी नेता या मुख्यमंत्री भाजपा के साथ नहीं है उन पर ये ईडी सीबीआई और आईटी से छापेमारी करवा कर जेल भेज देते हैं। विधायक अजीत शर्मा ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को जेल भेजे जाने पर नाराजगी जताते हुए इसे भारतीय राजनीति का दुर्भाग्य बताया। इधर दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में बिहार के सभी 19 कांग्रेस विधायकों, प्रदेश अध्यक्ष व प्रभारी के साथ बैठक होनी है। बैठक में सीट शेयरिंग और बिहार में आगे की रणनीति पर चर्चा की संभावना है। कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव में मजबूती के साथ एकजुट होकर कैसे लड़ें इस पर चर्चा हो सकती है। सूचना आई है कि कांग्रेस के सभी विधायकों को हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब ने कल 5 बजे AICC में बैठक रखा है। मुद्दा है क्या ये अभी नहीं बताया गया, लेकिन अभी मुद्दा तो हमें लगता है कि लोकसभा का चुनाव है, राज्यसभा का चुनाव, हम लोग एकजुट रहें क्योंकि देश को दरकार है कांग्रेस पार्टी की और हम लोग बिहार में कांग्रेस को मजबूत करके लोकसभा में जीतने का काम करें। मुझे लगता है इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा होगी, ऐसे बिंदु बताया नहीं गया है, लेकिन कल 5 बजे AICC में सभी विधायक बिहार के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी और भी कुछ बड़े नेता जरूर रहेंगे और जो बातें होगी उसके बाद इस पर प्रकाश। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान, निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जांच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में AB मेडिकल के समीप। सर दर्द, चक्कर आना, गर्दन दर्द, कमर दर्द, लो बैक पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, लकवा, पैरालिसिस, गठिया, साइटिका, पोलियो, घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, नसों का सूखना, फ्रोजन शोल्डर, लिगमेंट, कार्टिलेज, स्पोर्ट्स इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, हाथ पैर सुन्न लगना जैसी अन्य बीमारियों का इलाज करवाए। डॉक्टर प्रवीण कुमार झा, फिजियोथेरेपिस्ट, एडवांस न्यूरो डायग्नोस्टिक एंड फिजियोथेरेपी सेंटर, ग्रामीण बैंक के नीचे, हटिया रोड, तिलका मांझी, भागलपुर, बिहार। कॉल करें 9431446600। बांकामरपुर के इंग्लिश मोड़ पोखर के समीप कंटेनर और बाइक की टक्कर में भीषण सड़क हादसा हो गया। घटना में बाइक पर सवार शंभूगंज गोयदा निवासी जय किशोर यादव के 15 वर्षीय पुत्र सुमित कुमार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि प्रतापपुर गांव निवासी राजकिशोर यादव एवं आदित्य राज गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को रेफरल अस्पताल अमरपुर में भर्ती कराया गया, जहां दोनों घायलों का प्राथमिक उपचार जारी है। घटना को लेकर प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि तीनों बच्चे एक बाइक पर
सवार होकर इंटर की परीक्षा देने पुंसिया के रास्ते ढाका मोड़ की ओर जा रहे थे, तभी तेज रफ्तार मोटरसाइकिल और कंटेनर की भिड़ंत हो गई, जिसमें एक नाबालिग की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही अमरपुर थाना मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर शिनाख्त करते हुए पोस्टमार्टम के लिए बांका भेज दिया। इधर घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों ने बताया कि मृतक की माँ भी नहीं है, वो अपनी नानी के घर पर रहकर पढ़ाई करता था। अपने बेढंगे बयानों के लिए हमेशा चर्चा में रहने वाले गोपालपुर के जदयू विधायक गोपाल मंडल के सुर इस बार बदले बदले नजर आ रहे हैं। बीते दिनों पत्रकारों से बात करते वक्त वो काफी गंभीर बातें करते दिखे। उन्होंने अपने पोशाक के रंगों का विवरण करते हुए बताया कि सभी पार्टी का रंग उनके कपड़ों में सम्मिलित है, नीतीश कुमार का भी, जीतन मांझी का भी, और भगवा को लेकर उन्होंने कहा कि ये बजरंगबली का रंग है, बजरंगबली तो सभी के हैं। साथ ही सम्राट चौधरी को नीतीश कुमार के सामने बच्चा बताते हुए विधायक जी ने कहा कि उनके पिता नीतीश कुमार पर बयान देते तो कुछ गौर किया जाता, पर सम्राट चौधरी के बेढंगे बयानों की कोई महत्व नहीं है। कांग्रेस पर बात करते हुए गोपाल मंडल ने कहा कि कांग्रेस की कहानी भागवत झा आजाद के वक्त ही खत्म हो चुकी थी। कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा सिर्फ और सिर्फ पैसे के बल पर ही चुनाव जीत पाते हैं। गोपाल मंडल का बदला यह रूप बहुतों को अचंभित कर देगा, पर यदि ऐसा ही रहा तो विधायक जी का राजनीतिक सफर काफी अच्छा रहेगा। जी भाई, हमलावर रहे कुछ भी रहे, नीतीश कुमार को कहते हैं लोग पलटू चाचा, कोई पलटू पलटने वाला ये सब बोलता है, वो बात नहीं है। बिहार में उजरे हुए बिहार को नीतीश कुमार ने सजाया है, कुछ काम बाकी रह गया है, और एक टर्म तो मुख्यमंत्री रहेंगे, उसके बाद उनका उम्र नहीं रहेगा, उसका उम्र ही नहीं रहेगा नीतीश कुमार जी का। नीतीश कुमार कोई गलती किए हैं? कोई गलती नहीं। परिवारवाद किए हैं? नहीं किए हैं। उनका बेटा ऐसे है, उनके बड़े भाई ऐसे हैं, बहुत कोई दरबार करते रहे, बहन बोहनई किसी को स्थान नहीं दिया। हम तो बोलबो किए नीतीश कुमार जी को, मुख्यमंत्री जी को MLC बना दीजिए ना, वेतन भोगी हो जाएगा, पेंशन मिलते रहेगा। कि नहीं समझते गोपाल मंडल जी ये बोले तो नीतीश कुमार को हवला क्या करेगा? नीतीश कुमार ने कांग्रेस क्या विरोध करेगा? नीतीश कुमार ने अपने मन से संयोजक का काम किया, पूरा देश का भ्रमण किया और देश के सभी क्षेत्रीय नेता को इकट्ठा किए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, लेकिन इनको कोई स्थान नहीं मिला, कोई सम्मान नहीं मिला। जैसे इनकी बारी आई, कोई बोल दिए, लालू यादव बोल दी कि इसके बारे में कहने का मतलब राहुल जी के बारे में, फिर हो गया होते होते कोई खरगे को ले आया। खरगे तो कोई जानता नहीं, अभी भी नहीं जानते बढ़िया से। खरगे महादलित का रहे कि किसी का रहे, खरगे का नाम आ गया तो उसमें ये बात है, ममता बनर्जी ने सपोर्ट कर दिया, IA सपोर्ट कर दिया केजरीवाल। और इन लोगों का कहना हुआ पहले चुनाव लड़ के आएंगे तब प्रधानमंत्री चुना जाएगा। माँ शाकंबरी परिवार समिति भागलपुर के द्वारा नवम वार्षिक जयंती महोत्सव शनिवार को शहर के देवी बाबू धर्मशाला में आयोजित किया जाएगा। इसको लेकर समिति के अध्यक्ष बद्री प्रसाद छापोलिका एवं महासचिव मुरलीधर शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि कार्यक्रम में मैया का अद्भुत श्रृंगार, छप्पन भोग, अखंड ज्योति पूजन एवं भजन संध्या के साथ धनबाद, प्रयागराज, मथुरा, सिकंदराबाद, अजमेर और भागलपुर एवं आसपास के कलाकारों द्वारा कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी जाएंगी। मुरलीधर शर्मा ने कहा कि माता शाकंभरी देवी दुर्गा का स्वरूप है और धूमधाम से होने वाले इस आयोजन में काफी संख्या में श्रद्धालु शामिल होंगे। इस दौरान माँ शाकंभरी परिवार समिति के प्रभु शर्मा, पुनीत चौधरी, नरेंद्र शर्मा समेत कई सदस्य मौजूद रहे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस माँ शाकंभरी परिवार समिति का 9वां वार्षिक आयोजन चल रहा है और इसका कल जो है शनिवार को 3 तारीख को बहुत ही धूमधाम के साथ ये आयोजन देवभाव की धर्मशाला में मनाया जाएगा और इसमें पूरे शहर से और आसपास के क्षेत्रों से काफ़ी भक्तजनों की उपस्थिति होगी और माता का गुणगान होगा, माता की भजन होगी, नृत्य नाटिका की प्रस्तुति होगी, तत्पश्चात अंतिम में प्रसाद के साथ इसकी समाप्ति होगी। ये शाकंभरी माता जो है ये राजस्थान में उदयपुर बाटी सकराय धाम में भव्य इनका मंदिर है। ये दुर्गा रूप है और इनको शताक्षी माता भी कहते हैं। ये जो दुर्गम का वध करने के बाद
इनको जो है शताक्षी रूप मिला था और वही ये शाक फल फूल की देवी है, इसीलिए इसका नाम शाकंभरी पड़ा। माई का प्रकट उत्सव ये इस दिन होता है, तो वही प्रकट उत्सव हम लोग मनाने के लिए पूरा परिवार एकजुट होते हैं, जिसमें बहुत से लोगों की हम लोगों की कुलदेवी भी ये है, तो कुल की देवी इसका परिवार, इसका जो है भक्त बहुत वृहद है, बहुत संख्या में इनके लोग हैं। शोभा यात्रा भी निकलती है।